रिलेटिव परमिविटी की डेफिनेशन देख लो एक बार बुक तो, कि सी अपने को रेशो आ, रेशो किदी किदी सी, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज प्लेस इन एयर और वैक्यूम भी लिख सकते, टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज प्लेस द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन दैट ऑफ मीडियम। एक बार दोनों चार्ज वैक्यूम दे विच पे आ, दूसरी बार दोनों चार्ज किदे विचकार पे आ, मीडियम दे विचकार पे आ। नैक्सट आप फाइंड आउट करनी आ रिलेटिव परमिविटी दे लिए, आप वैक्यूम दे लिए फाइंड आउट करते पे हाँ, तो इतने मीडियम अपने कोल की आ जूगा एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम दे लिए आप मीडियम दे लिए की लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, कंपेयर भी किदे नाल करना एप्सिलॉन नॉट दे नाल, तो ये विचकार कैंसल होके कि आंसर आ जू अपने कोल वन। तो नैक्सट अपने कोल की आ कि जिन्हें भी अदर मीडियम आ सारियां दी परमिटिविटी है जड़ी किदे तो ग्रेटर होगी, वन तो ग्रेटर होगी, क्योंकि सब तो लैस परमिटिविटी आ कि केड़ा मीडियम अलाउ करता सारे का सारा चार्ज पास हो जाए, ओनली एयर और वैक्यूम अलाउ करता, कोई भी होर मीडियम नहीं हैगा जिदी परमिविटी की आऊगी थोड़े को वन तो लैस आऊगी। कदे भी पेपर दे विच क्वेश्चन आता कि मीडियम हैज़ परमिविटी 0.7 या 0.7, 8.9 लैस दैन वन, तो की आ तो आंसर की आऊगा कि परमिविटी आ जिहड़ी एयर ते वैक्यूम तो बिना किसी भी मीडियम दे विच लैस दैन वन पॉसीबल नहीं हैगी। नैक्सट अपने कोल कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ आ जिहड़ा आपां पहलां कीता उह किहड़ी फॉर्म दे विच सीगा, स्केलर फॉर्म दे विच सीगा, स्केलर फॉर्म नूं वैक्टर फॉर्म दे विच क्यों चेंज कीता आपां, क्योंकि स्केलर फॉर्म आपां नूं सिर्फ की दे रही है उहदा ओनली मैगनीट्यूड दे रही आ, डायरैक्शन नहीं दे रही। डायरैक्शन फाइंड आउट करन लई आपां कूलम्स लॉ नूं लॉ नूं किहदे विच चेंज कीता वा, वैक्टर फॉर्म दे विच किदां चेंज कीता, सेम कंसीडर सेम ही आजूगा, की कंसीडर करना आपां, कंसीडर तुसी पहला थ्री और फोर लाइनस लिखनी है, जिद्दां भी तुसी कोई भी इहदे विच फिजिक्स दे विच डायग्राम ड्रॉ करदे हो की उहदे विच सपोज करदे हो, तो इहदे विच आपां की सपोज कीता वा, टू चार्जिस सपोज कीते आ क्यू वन एंड क्यू टू, एट ए डिस्टेंस दोनों दे विचकार डिस्टेंस आपां की लिया वा, आर डिस्टेंस लिया वा, और नैक्सट इहदे विचकार क्यू वन ते क्यू टू किन्नी फोर्स लगा रहा, एफ वन टू, एंड क्यू टू ते क्यू वन किन्नी फोर्स लगा रहा, एफ टू वन, इनू किदा लिखना आपां, एफ टू वन आ जिहड़ी फोर्स आ किहड़े चार्ज ते आ, क्यू टू ते, किहड़े चार्ज दे कारण आ, क्यू वन दे नाल, एफ ट्वेल्व की आ फोर्स आ जिहड़ी किहड़े चार्ज से आ, क्यू वन ते, किहड़े चार्ज दे कारण आ, क्यू टू दे कारण, जिहड़े चार्ज दे उपर फोर्स लग रही आ उहनू आपां की लिखणा, फस्ट नंबर ते, जिहड़े चार्ज दे कारण लग रही आ उहनू आपां किथे लिखणा, सैकिंड नंबर ते, ऑन बाय वन ट्वेल्व की आ गया कि फोर्स आ जिहड़ी फस्ट चार्ज ते लग रही आ किहदे कारण लग रही आ, सैकिंड चार्ज दे नाल, टू वन मीनस ऑन, पहला ऑन फिर बाय, सैकेंड चार्ज के उपर लगती पी आ कि कारण लगती पी आ, फस्ट चार्ज के कारण। नैक्सट आप यूज़ किए यूनिट वैक्टर, यूनिट वैक्टर क्यों यूज़ किए आ, जो भी किसी वैक्टर की आ कि जो भी आप किसी भी स्केलर क्वानटिटी वैक्टर क्वानटिटी के कन्वर्ट करना तो आप डायरैक्शन दसनी आ, डायरैक्शन दसन लिए उस क्वानटिटी आप मल्टीप्लाई कर देना वा यूनिट वैक्टर के नाल, यूनिट वैक्टर हमेशा अपन की दसदा वा किसी भी क्वानटिटी की डायरैक्शन दसदा वा। हुण डायरैक्शन किदां दसनी आ कि अपने कोल एक चार्ज क्यों पिया वा, इहदे चार्ज के अराउंड किस डायरैक्शन विच एक होर चार्ज पिया वा, ये चार्ज यूनिट वैक्टर अपने कोल किदां लिखांगे, इहदा आर वन टू कि अपना वन फस्ट चार्ज आ और ये किदे उपर फोर्स लगा रहा वा, मीनस नैक्सट चार्ज की डायरैक्शन की है अपने को, क्यू वन आ कि डायरैक्शन वाल मूव करेगा, टू वाल, और यूनिट वैक्टर अपन डायरैक्शन दसती है मीनस कि डायरैक्शन दे विच अपने को चार्ज मूव करेगा, और नैक्सट है ये विचकार कि
क्यू टू आ जड़ा क्यू टू चार्ज किधर लगा रहा वा आर टू वन यदि डायरेक्शन किधर आ फस्ट चार्ज वल पहले डायरेक्शन की सी सैकेंड चार्ज वल सैकेंड डायरेक्शन की आ टूवर्ड फस्ट चार्ज तो इनू कि लिखना वा कि पहला आप वैल्यू लिखनी आ फ्रॉम जिथों चार्ज ने चलना जिथे की आ टू जिथे तक गया वा तो फस्ट चार्ज ले की आऊगी अपने को यूनिट वैक्टर आर वन टू आर वन टू क्यों लिया वा स्टार्ट कितों होया वा वन तो एंड कितने होया टू ते स्टार्ट फ्रॉम टू एंड एट वन फोर्स है तो आप लिया ओपोजिट लिया आर टू वन की सीगा यूनिट वैक्टर आ जोड़ा पॉइंट पॉइंट कर रहा वा फ्रॉम चार्ज क्यू वन टू क्यू टू आर टू वन कि पॉइंट कर रहा कई डायरेक्शन पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन क्यू टू चार्ज क्यू वन तो हम आप फोर्स के चेंज करनी है कि फॉर्मूला आया अपने को एफ इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर पाई एप्सलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर हम ये जो ये सिर्फ मैगनीच्यूड लिए फार्मूला जो आप डायरेक्शन इनकलूड की है तो इन मल्टीप्लाई करता अपना यूनिट वैक्टर के नाल एफ ट्वेल्व दे विच देखो कि एफ ट्वेल्व वैक्टर आदि अलोंग उदी डायरेक्शन के अलोंग कि वैक्टर पिया वा एफ ट्वेल्व लै रहे आप पहला एफ ट्वेल्व एफ ट्वेल्व की डायरेक्शन के यूनिट वैक्टर आ एफ आर ट्वेंटी वन तो एफ ट्वेल्व के सेम डायरेक्शन वाला ही यूनिट वैक्टर लैना वा आर ट्वेंटी वन नैक्सट ज पहली फोर्स की सी एफ वन टू लिए फोर्स कि टू वन ली तो एफ टू वन दे देखो एफ टू वन दे यूनिट वैक्टर सेम डायरेक्शन के आर ट्वेल्व तो एक की आ गई अपने को वैक्टर फॉर्म आ गई कि कूलम्स लॉ की जी आप की दसदी आ डायरेक्शन भी दसदी है कि चार्ज के फोर्स के चार्ज कि क्यू टू क्यू वन ते कि फोर्स लगा रहे तो वो डायरेक्शन की आ नैक्सट हैगी इंपोर्टेंस आ जी कूलम्स लॉ की वैक्टर फॉर्म के इंपोर्टेंस आ कि यूनिट वैक्टर की वैल्यू सेम आ बट दोनों के विचकार डिफरेंस की आ दोनों ही डायरेक्शन आ वैल्यू दोनों की की आ सेम आ बट डायरेक्शन की आ दोनों की ओपोजिट आ डायरेक्शन ओपोजिट आता इन्हों इक्वल करने लिए आप यूज़ किया माइनस साइन आर ट्वेल्व माइनस टू वन और आर ट्वेंटी वन कि इक्वल होगा माइनस आर ट्वेल्व दे इन पुट कर दो इक्वेशन वन दे विच इक्वेशन वन अपने को एफ ट्वेल्व वाली इक्वेशन जो ये पुट करांगे की आजूगा अपने को माइनस साइन तो सारी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू तो देखो फ्रॉम इक्वेशन टू तो ये सारी वैल्यू किदे इक्वल आ एफ ट्वेंटी वन दे एफ ट्वेल्व इज इक्वल टू एफ ट्वेंटी वन दोनों फोर्सिस की आ गए एक दूसरे के इक्वल एंड ओपोजिट तो नैक्सट की आ फस्ट ये आ गया कि एफ ट्वेल्व एंड एफ ट्वेंटी वन जिहड़ियां दोने चार्ज एक दूसरे उपर फोर्स लगा रहे हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों दे विच की हुंदी है इक्वल ते ओपोजिट हुंदी है और इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जिहड़ी दो चार्जिस दे विचकार वो की हुंदी है सेंट्रल फोर्स मीनस वो लाई करदी आ जां एक्ट करदी आ अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी टू चार्जिस नैक्सट टॉपिक आपां इहदे नैक्सट वीडियो दे विच करांगे।